नमस्कार मित्रों, रौनक इन्फोटेक में आपका स्वागत है। एक चीज की समस्या हम आपको ये बताने वाले हैं कि एप्सन प्रिंटर ड्राइवर डाउनलोड करने में कुछ लोगों को काफ़ी समस्याएं आती, उसी के सिलसिले में बता रहे हैं कि यल 380 यल 210 कोई भी प्रिंटर हो तो बड़े आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फोन आते रहते हैं ना, तो ये वीडियो हम लोग डाल रहे हैं। इसलिए गूगल क्रोम खोल लीजिए, इसके बाद जो ब्राउजर खोले अपना, उसमें जो भी मॉडल है एप्सन का, कोई भी मॉडल हो उसका मॉडल आपको डालना है। जैसे हम 380 कर रहे हैं, 380 डालिए। ये आपका नीचे आ गया ड्राइवर डाउनलोड, आपका ये एप्सन एल 380 एल सीरीज, इसमें आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपका पेज खुल के आ गया है। थोड़ी देर जब तक बफरिंग कर रहा है उसको पूरा बफरिंग हो जाने दीजिए। हो चुका है देखिए यहाँ पे। अब ये जो विंडोज 7/64 बिट दिखा रहा है, ये हमारे सिस्टम में नहीं पड़ा हुआ। जो सिस्टम में पड़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ के उसके सामने डिटेक्टेड दिखाएगा। ये चीज़ को ध्यान देना है, उसको टिक कर लेना, गो कर दीजिए। सबसे ज़्यादा यहीं से समस्याएं आती हैं, बोलते हैं ड्राइवर तो डाउनलोड कर लिया लेकिन वो रन नहीं हो रहा है, तो आपको वहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना पड़ेगा। बार बार बता दूँ, ये घूम रहा है ना, तो अभी पेज पूरा खुला नहीं, उसको खुलने का इंतज़ार करिए। खुल चुका है पेज। अब इसके बाद आप नीचे आइए, स्क्रॉल करिए, यहाँ देखिए ड्राइवर का एक ऑप्शन मिलेगा, ड्राइवर में क्लिक कर लीजिए। इसके बाद ड्राइवर एंड यूटिलिटी कॉम्बो पैकेज है, इसमें आपका स्कैनर ड्राइवर दोनों, लेकिन इसमें कभी कभी कोई दिक्कतें आती, तो आप कुछ नहीं सीधे प्रिंटर का ड्राइवर डाउनलोड करिए। ये आपका यहाँ नीचे होने लगा है, ये आपका स्कैनर ड्राइवर है, स्कैनर का ड्राइवर डाउनलोड करिए। ये दोनों फाइलें आपकी प्रॉपरली हो रही हैं। देखिए आपके दोनों ड्राइवर डाउनलोड हो चुके हैं। एक ध्यान दीजिएगा, एप्सन यल 380 प्रिंटर ड्राइवर शुद्ध लिखा हुआ है। ये आपका ड्राइवर है, ये आपका स्कैनर है जिसमें ई स्कैन 2 लिखा हुआ है, ठीक है। मिनिमाइज करिए, ये जो फाइल आपकी जाएगी ना वो आपकी कंप्यूटर और यहाँ डाउनलोड में, बाएं हाथ तरफ देखेंगे डाउनलोड, ये आपकी फाइलें पड़ी हुई है, 380 ड्राइवर एक 380 स्कैन। ये फाइलें आपकी दोनों ऑलरेडी यहाँ हो चुकी हैं, ठीक है। तो बस प्रिंटर का पूरा कनेक्शन होना चाहिए, प्रिंटर चालू होना चाहिए, एक कागज़ भी लगा के रखिएगा, सारा चीज़ बिल अप टू डेट। इसके बाद आप इसको डबल क्लिक करके रन कराएंगे, डिप मारेगा, यस करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये एप्सन सेट एट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, ओके, ठीक है, ओके करना है, एग्री करना है, और ये ड्राइवर आपका हो जाएगा जब प्रिंटर, देखिए यहाँ पर यूएसबी मांग रहा है, तो अभी आपका प्रिंटर सेलेक्ट नहीं है, या यूएसबी लैपटॉप या प्रिंटर में किसी में भी नहीं लगा हुआ, तो उसको लगा लीजिए और ये प्रॉपरली आपका इंस्टॉल हो जाएगा।